बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। ऐसे में हमारी टीम भी अब ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार है। आज चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज विधानसभा के करवामुनी पंचायत के दिगल बैंक पंचायत के खारी दुबरी में। खारी दुबरी का ये वो इलाका है जो लगभग प्रखंड मुख्यालय की अगर बात करें या विधायक जी के गाँव की बात करें तो वो काफ़ी दूरी है, और जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास का रेंज है। खैर, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव के बारे में, इस पर हम बात करेंगे, और क्या कुछ विकास हो पाया है इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो चुनाव है ये थोड़ा दूसरे टाइप का होने जा रहा है। क्योंकि अगले बार की अगर बात करें तो जेडीयू को जो समर्थन मिला था तो एनडीए के घटक दल से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार की जो रणनीति है एनडीए घटक दल के साथ है। क्या कुछ होगा आगे, क्या कुछ सोचते हैं लोग इस पर हम बात करें। चाचा, वोट के लिए क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव है सर पर, क्या कुछ सोच बनाए हैं, क्या लगता है किस तरह का विकास हो पाया है? विकास हो ही नहीं किया तो हम लोग कैसे अब क्या करेंगे अब? फिर भी रोड घाट सड़क पुल पुलिया बनाए कि नहीं? कहाँ, अभी तो थोड़ा बहुत बाकी है, सब बना है और थोड़ा बहुत बाकी भी है। अच्छा, नीतीश कुमार के काम को कैसे देखते हैं आप, कैसा लग रहा है उसका काम? अब हम क्या करें, कहाँ नीतीश कुमार का काम, इधर कोई काम नहीं है ना, इधर कहाँ, उधर दूसरे काम होता है, इधर हम लोग का इधर कहाँ ध्यान देता है नीतीश कुमार। हाँ, ध्यान में नहीं देता, काम भी नहीं होता है। इस बार वोट कीजिएगा ना, हाँ वोट कीजिएगा ना, वोट वोट हाँ करेंगे अगर करें हम लोग का। आपका क्या नाम है चाचा? अपना नाम है रेशम लाल दास। क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? होगा उस समय देखा जाएगा, समय देखा जाएगा। हाँ, समय, लेकिन फिर भी क्या कुछ काम हो पाया है नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार विधायक रहा वो पूछो काम कहाँ हुआ है, हम लोग का इधर उतना वो काम नहीं है। तो क्या लगता है किस बार बदलाव के मूड में है आप लोग? आप देखेगा ऊपर वाला, हम लोग का जब नहीं तो वोट तो आप लोग कीजिएगा ना, ऊपर वाला तो अलग बात है। बात तो है लेकिन हम लोग देते हैं किसी को, जीतता है कोई, ऐसा हो जाता है। हाँ, आप लोग देते हैं किसी को, हर जीत कोई और जाता है, कोई और जाता है। तो क्या लगता है कि ईवीएम उवीएम में खराबी है क्या? अब क्या है, नहीं है, हम लोग कैसे कहेंगे? आप बताइए चाचा को, ये भी इसमें संदेह है कि ईवीएम में कहीं खराबी तो नहीं है। खैर, ये सब बातें होता है। आपका क्या नाम है चाचा? खिरिकलाल। क्या कुछ आप इस बार जो है सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव के लिए जो है हमारे ख्याल से नीतीश कुमार का काम तो नहीं देख रहे हैं हम। नीतीश कुमार का काम नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं हम। बिजली पानी है, सात निश्चय योजना इधर, बाकी हम नहीं। रोड सड़क पुल पुलिया, रोड सड़क कहाँ है, हम लोग का इधर तो बिल्कुल कच्ची है। तो 10 साल का कार्यकाल विधायक नौशाद आलम का रहा, नौशाद आलम नीतीश कुमार के साथ टाइप रहा, तो क्या लगता है उनका विकास कुछ नहीं हो पाया है? कहाँ हम लोग विकास देगा, हम लोग तो कीचड़ में चलते हैं हम लोग। अच्छा, कभी विधायक जी से मांग नहीं किए हैं? नहीं किए हैं हम, मांग क्या मांगे, उसको तो देखते नहीं है। विधायक जी आए नहीं कभी? ना। अच्छा, नहीं, आप भी नहीं गए हैं कभी विधायक जी के यहाँ? नहीं गए हैं, हमको क्या काम, हम लोग का काम करेगा थोड़ी विधायक जी, काम ही नहीं पड़ा है आपको? काम पड़ेगा, काम भी जाने से काम में वो हमारा काम थोड़ी कर लेगा। अच्छा, काहे नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप जिम्मेदार इंसान है, आपको तो अपने काम के बारे में बोलना चाहिए। हम लोग का बात गरीब आदमी का बात कौन सुनता है, जीतने के बाद वो अपने आप को पहचानता है, हम लोग को क्या पहचानता है। अच्छा अच्छा, तो आप नीतीश कुमार के काम को कैसे देखते हैं फिर? हम काम नहीं देखते हैं उसका, तो बिजली उसका तो उपयोग कर, बिजली है बस, हो गया, दे दिया है तो ले लिए हैं, बस हो गया। बिजली उपयोग कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं। पानी उनी का सिंचाई हो रहा है खेत बाड़ी में? पानी उनी का, हमारा सिंचाई नहीं है। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गोस्वामी। खैर, वोट को लेकर क्या सोचते हैं आप? वोट के लिए क्या सोचेंगे, हमारे विचार से तो बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार पढ़ाई 10 तक किए हुए हैं, और 10 तक किए, आगे क्यों नहीं किए और पढ़ाए? आगे पारिवारिक मजबूरी। अच्छा, पारिवारिक मजबूरी के कारण। तो इस बार क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन को लेकर के? हमारे एक से सोचने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, आपकी जो ये होगी आवाज होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचे, हो सकता है कि आपकी आवाज से कुछ लोग और जागरूक हो जाए। हम तो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, कहा है कि उसका कोई भी काम हमें पसंद नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, जीरो में है। यहाँ एगो RCC बनता है, अगर 5 लाख आता है तो 2 लाख का काम नहीं होता।
एक साल में अभी आप सामने आपको दिखा रहे हैं आरसीसी, एक साल भी नहीं, पूरा आरसीसी उधर गिर चुका है, तो क्या हम उसका काम का ही करेंगे? नहीं, नाला वाला वही सिस्टम है, ये पाइप का जो भी काम हो रहा है हम उसको पसंद नहीं करते, गुणवत्ता कोई काम नहीं हो, ढंग का काम कोई भी नहीं है। आप लोग कभी विरोध नहीं किए हैं? विरोध किए हैं, ये रोड बनने के टाइम पूरा गाँव वाला विरोध किए, उसके बावजूद भी प्रशासन आया, फिर वही पैसा वैसा देने या कुछ भी करके मैंने फिर अपना वो काम निकाल के चले गए। आपको क्या लगता है कि बेहतर सीएम कौन हो सकता है, बिहार को कौन बढ़िया ढंग से चला सकता है, कौन रोजगार की बात कर सकता है, कौन शिक्षा को सुधार सकता है? हम तो बेहतर सीएम हमारे नज़र से अगर बीजेपी आ जाए तो बेटर होगा। तो अभी तो भाजपा के साथ ही है तो क्या उसका सोच अलग होगा, इसका सोच अलग है। भाजपा में किसको आप चेहरा मानते हैं? भाजपा में अगर आ जाए तो कोई भी, और फिर भी आपका पसंद का कोई हो सकता है ना? पसंद का है जैसे हमारे नित्यानंद जी जो अभी हाल ही में मंत्री भी है, क्या उसमें क्या ऐसी खासियत देखिए आपको कि वो बिहार को बढ़िया ढंग से खासियत उसमें तो कोई कहा, हम एक ही बार मुलाकात किए हैं, उसके बाद हर चीज़ हमको अच्छा लगा नहीं। अच्छा, बोलेगा ढंग अच्छा, जो भी काम किया तक ईमानदारी के साथ तक किसी भ्रष्टाचारी अच्छा, में उसका आरोप नहीं है, इसलिए लगभग देखिए अब ढाई साल से अलायंस में है भाजपा उनके साथ, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के काम को आप फिर ना पसंद करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों भाई? ढाई साल तो उनके साथ रहा, तो उनका विचार तो उनके साथ रहा होगा तो, लेकिन करता तो नहीं है ना, करता नहीं है। रातल पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है आपके सामने है। हम आपके सामने दिखा सकते हैं, इस रोड का अभी 2 साल नहीं बने हुए, रोड देखिए आप अभी देख सकते हैं, आपको कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं आप। तो हो सकता है कि वो ठेकेदार उस तरह से काम कर, ठेकेदार तो आगे प्रशासन तो होगा ना, प्रशासन को देखना चाहिए ना, प्रशासन भी आए कई बार आए, रोड खोद के 2-3 जगह देख लिए कि हाँ रोड बना तो गलत, पैसा वैसा ले लिया होगा, साइड हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है ये सब करप्ट कैसे दूर होगी? करप्ट जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा, और आपके माध्यम से खास करके मीडिया अगर सहयोग करे तो पब्लिक जागरूक होंगे, प्लस विकास होंगे और भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, यही मेरा कहना है बस। और क्या नाम है आपका, क्या कुछ बोल रहे थे? मकलाल गणेश। और बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, युवा पीढ़ी है, क्या मूड है आपका? तो अभी समय बताए, समय अभी बहुत समय है, नहीं है, समय है तो अभी आने वाला ही है, फिर भी आदमी का तो मूड एक दिन में बदल जाता है। 10 साल का कार्यकाल में क्या कुछ विकास हो पाया नौशाद आलम का? विकास कहाँ, हम लोग का इधर हुआ है कोई विकास नहीं हुआ है, आगे तो पक्की रोड दिख रहा है भाई, पक्की रोड तो आगे दिख रहा है, इधर चलिए ना, पूरा कच्ची पड़ा हुआ है, इधर भी तो पक्की रोड, 3 किलोमीटर कम से कम कच्ची पड़ा हुआ है, 3 किलोमीटर। खैर 10 साल के कार्यकाल को, नीतीश कुमार के कार्यकाल को, या फिर आपके जो स्थानीय विधायक है वो कितना उससे संतुष्ट है आप? संतुष्ट जितना मतलब होना चाहिए उतना कहाँ संतुष्ट है, नहीं। तो आगे क्या सोच है, बदलाव के मूड में है? हाँ वही तो जनता अभी तो वही तो सोच रहे हैं कि मतलब बदलाव कीजिएगा, नहीं नहीं मतलब भाई एक वही तो जन मतलब 5 साल के बाद ये सब तो मतलब बदलाव सरकार करने के लिए दिए यही किए हैं, लेकिन बदलाव भी जरूरी है, बदलाव जरूरी। बोल रहे थे आप? हम वही बोलते हैं कि विधायक तो चेहरा भी नहीं दिखाया, चेहरा नहीं दिखाया आपको विधायक की तरफ से? कोई काम हो पाया है? कुछ नहीं। ये जो पक्की रोड दिख रहा है ये किसका है? यही किया, इससे बढ़ के कुछ, तो इससे बढ़ के और क्या चाहते हैं आप बोलिए? आज राज रोड है उसको नहीं बना, दुबड़ी होकर हम लोग को टप्पू जाना पड़ता है, हरुआ डंगा हो कैसा भी जा कर नहीं बना सका। टप्पू प्रखंड आप लोगों का? प्रखंड दिगलबाग है, टप्पू हटिया जो हम लोग को जाना पड़ता है, तो दुबड़ी होकर जाना पड़ता है, जबकि 1.5 किलोमीटर नहीं, सब कच्ची सड़क है उधर, हाँ 1 किलोमीटर नहीं बना पाया है, मुखिया पर डांट डपट किए तो थोड़ा सा मन वो ढलाई किया है गांव भर। चाचा आगे चुनाव हो क्या सोचते हैं आप इस बार फिर? जब 4 आदमी जिसको देगा उसको देना, 4 आदमी अगर सोचेगा कि जो मौजूदा विधायक है उसी को वोट देंगे तो आप भी दे दीजिएगा, 4 आदमी अगर सोचेगा कि मौजूदा जो विधायक है उसी को वोट देंगे तो आप भी दे दीजिएगा? नहीं तो देखा जाएगा ना, फिर आपका क्या सोच है, आप क्या सोच रहे हैं आपके परिवार को? समय आएगा तभी ना, तो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, बदलाव के मूड में है तब तो ये काहे नहीं रहेगा? जेडीयू को वोट नहीं कीजिएगा, एनडीए को वोट नहीं कीजिएगा, किसको वोट कीजिएगा बताइए? काम नहीं देते, विधायक कोई भी किसी को दे सकते, किसी भी पार्टी में निर्दलीय को भी दे सकते, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जब काम ही नहीं था पार्टी का कोई, क्या देखे क्या फायदा है? कैंडिडेट से मतलब आप लोगों को? तब कैंडिडेट से मतलब। चलिए चाचा बोल, माना चाहिए, देखना चाहिए, ये कभी नहीं आया चाचा 10 साल के कार्यकाल में? नहीं, कभी नहीं देखे हैं, पूछिएगा खाड़ी में गए थे आप? खैर यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी से कभी ये लोग मुखातिब नहीं हो पाए हैं, लगभग 10 साल का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है, आगे चुनाव भी है, रणनीतियाँ भी जमकर चल रही है, लेकिन यहाँ के लोग विधायक के प्रति काफ़ी रोष में है,
जो विधायक का काम हुआ है उससे भी ये लोग संतुष्ट नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग बदलाव के मूड में हैं। अब आगे क्या होता है, विधानसभा चुनाव की बारी है, लोग क्या मूड बनाएंगे, हम अब तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।